सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह के न्यू ट्रेंडिंग 3D AI या स्मोकिंग फोटो को क्रिएट करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, आपको अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है बिंग ऐप सर्च करेंगे, उसके बाद आपको सिंपली फास्ट में उसका एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे में एक ऐप्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ करना है ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप अपने फोटो को क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक इमेज क्रिएटर का ऑप्शन होगा, तो आपको इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको यहाँ पर लॉगिन करने का एक ऑप्शन होगा, जो कि मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुझे लॉगिन करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन शो होगा जिसपे कि आपको अपने टेक्स्ट को एड करना है। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसको यहाँ से पेस्ट करके। यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट किया है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो वहां से उसको देख के यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। टाइपिंग करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक नेम का ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको पहले इस नेम को रिमूव करके आपको अपने नेम को यहाँ पर ऐड करना है, जिस भी नेम से आप अपने फोटो को बनाना चाहते हो। यहाँ से मैंने इसमें एग्जाम्पल के लिए अपने नेम को ऐड कर दिया है, ठीक है। नेम ऐड करेंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ करना है क्रिएट पे क्लिक। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से मेरा कितना प्रोफेशनल 3D AI फोटो बन के आ चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखने में लग रहा है। और आप लोग अपने स्मार्टफोन से बिल्कुल फ्री में इस तरह के फोटो को क्रिएट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से करना है फोटो पे क्लिक, इसको डाउनलोड कर लेंगे जो भी आपको इसमें से बेस्ट लग रहा है, ठीक है। पहले आपको इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसको बैक करके। बैक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आना है फिर से सर्च बार पर। सर्च बार पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक डार्क बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से डार्क को रिमूव कर देना है। डार्क रिमूव करके आपको यहाँ पर ग्रे व्हाइट टाइप करना है, ठीक है। ग्रे व्हाइट टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है व्हाइट स्मोकिंग, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर व्हाइट को रिमूव करके आपको यहाँ पर रेड टाइपिंग करना है। रेड टाइपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ करना है फिर से क्रिएट पे क्लिक। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से मैंने इसमें डार्क व्हाइट बैकग्राउंड को एड किया हुआ है, तो यहाँ से मेरे फोटो में डार्क बैकग्राउंड एड होकर आ चुका है। और यहाँ पर मैंने रेड स्मोक को एड किया हुआ था, यहाँ से मेरे फोटो में भी रेड स्मोक एड होकर आ चुका है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल देखने में लग रहा है। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ करना है फोटो पे क्लिक, इसको डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना है। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।